हेलो गाइस, वेलकम टू रंजीतास वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो आज मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लाई हूँ। यस, ये सबकी फेवरेट है और ये बिल्कुल मैंने साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई है। आप इसे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए हम देखते हैं परफेक्ट डोसा बनाने के लिए हमें परफेक्ट बैटर कैसे बनाना है। डोसा बैटर तो उसके लिए हमें करेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत है। तो डोसा स्पेशली आप देख सकते हो ये वाले राइस से बनाया जाता है। यहाँ ये साउथ हमारे चेन्नई में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी राइस से हम डोसा बैटर बनाते हैं और इडली बैटर भी हम इसी से बनाते हैं, इसी राइस से। तो डोसा बैटर के लिए हम आज बैटर रेडी कर रहे हैं। उसके लिए हमें ये वाला राइस टू बॉल चाहिए, मतलब दो कटोरी हमें ये वाला राइस चाहिए। इसको मैंने ऑलरेडी इसको मैंने मेजर करके ही रखा है। ये हमारा टू बाउल मतलब दो कटोरी हमारा ये राइस हमने ले लिया है और उसी के लिए हमें उड़द दाल की ज़रूरत है। तो उड़द दाल भी आप देख लीजिए, हम मैं कौन सी उड़द दाल ले रही हूँ। ये जो सॉलिड वाली उड़द दाल होती है जिसके छिलके निकले होते हैं ना, यही दाल हम लेंगे डोसा बैटर बनाने के लिए। ये हमें एक कटोरी चाहिए, ये भी मैंने मेजर करके ही एक कटोरी ले रखा था। तो मैंने परफेक्ट डोसा बनाने के लिए परफेक्ट बैटर बनाऊंगी उसके लिए मैंने लिया है दो कटोरी राइस और एक कटोरी उड़द की दाल। अब इस डोसे को क्रिस्पीनेस देने के लिए हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है ये है फेनुग्रीक सीड मींस मेथी दाना। तो ये हम 1 स्पून ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम दाल और राइस को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम 1 स्पून फेनुग्रीक सीड इसमें ऐड करेंगे। तो अब आप देखिए मैंने इसको वॉश करके रख लिया है। ये मैंने दाल को वॉश करके उसको सोक कर दिया है और ये मैंने राइस को वॉश करके उसको सोक कर दिया। और जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूँगी, तो मैंने इसमें मेथी दाना भी ऐड कर दिया। अब इसको हमें 7 से 8 घंटे हम इसको सोक करके रखेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरा डोसा बैटर ग्राइंड कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है इसको फर्मेंटेशन करने के लिए रखना। तो फर्मेंटेशन करने के लिए हमें इसको फिर से 8 घंटे के लिए रखना है या फिर आप इसको होल नाइट भी रख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा वेसल है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि फर्मेंटेशन होने के टाइम पर ये फुल कर आता है। तो मैं इसको अपने एक दूसरे और वेसल में इसको भी थोड़ा आधा ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसको फिर मैं रात भर के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रख दूँगी। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं ये जो मेरा दाल और राइस डोसा का उसको मैं ग्राइंड करके होल नाइट फर्मेंटेशन के लिए रखूँगी। अब मैं सुबह आपको इस ओपन करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे कंडीशन में है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंटेड हो गया है। सी आप देख सकते हो पूरा ऊपर तक आ गया है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसको दो वेसल्स में ट्रांसफ़र करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस इतना सारा बैटर एक टाइम के लिए तो चाहिए नहीं, तो हम एक को कवर करके रख देंगे, जब हमें चाहिए होगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। और अब ये जो बैटर है आप देखिए, सी बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा फर्मेंटेड हो गया है। तो अब हम इसको एक दूसरे वेसल्स में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी और जितना हमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो हम ऊपर से थोड़ा सा इसमें वाटर भी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। और अब आप देखिए मैंने इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी मैंने एडजस्ट कर लिया है और मैं इसको डोसा बनाऊंगी जो आपको मैंने यहाँ तवा गरम करने रख दिया है। अब मैं आपके सामने
डोसा बनाती हूँ, आप बस मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए हम डोसा बनाते हैं। डोसा बनाते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर आप करेंगे तो डोसा हमारा स्टिकी होगा और बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड भी नहीं होगा। तो आप इसका ध्यान रखिए, इसको स्लो ही रखिए और इसको धीरे धीरे हाथों से इसको स्प्रेड करिए। और अब इसको हम एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो आप देख सकते हो मेरा डोसा पक रहा है। अब मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ मेरा डोसा। अब देखिए कितना क्रिस्पी और बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये डोसा रोस्ट हो गया है। यू कैन सी इट। लुक। तो ऐसे ही हम सारे में अब हम दूसरा डोसा बनाते हैं। सेम वही, आपको फ्लेम स्लो लो करके रखना है और आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। बस इतना ही है और 1 or 2 ड्रॉप ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। बस लेट इट टू कुक। तो देखिए ये भी मेरा डोसा बन गया है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी डोसा है। यू कैन सी लुक। आप इसी तरीके से डोसे सारे डोसे बनाइए और जो मेथड मैंने बताई है उसी मेथड से आप बैटर बनाओगे तो कहीं कोई चांस ही नहीं है कि आपका डोसा खराब हो जाए। तो बस आप ऐसे ही डोसे कंटिन्यू बनाते रहिए। मैं सारे डोसे आपके सामने बना रही हूँ, आप देखिए। बस ऐसे ही आप बनाते रहिए। जब मैं यहाँ चेन्नई में पहली बार आई थी तो मुझे ये सारी चीज़ें बनानी नहीं आती थी। फिर मैंने धीरे धीरे बनाते सीख लिया है तो अब मेरा कोई भी चेन्नई का जो भी मैं आइटम बनाती हूँ तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो और हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी ड्रॉप करके स्प्रेड कर देंगे और हम इसको कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा कोन डोसा लग रहा है ना, अच्छा यम्मी। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। और मैं तो देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना मज़ेदार। तो बस आप इसे मेरे तरीके से बनाइए और इंजॉय करिए।